हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि यदि आपके गन्ने का ग्रोथ रुका हुआ है, आप जैसा चाह रहे हो वैसे आपके गन्ने का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपको अपने गन्ने में क्या करना चाहिए, कौन से उर्वरक डालना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन कर दें। इससे आने वाली हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं जय वर्मा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कृषि प्रधान भारत। किसान भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि अपने गन्ना के खेत में जा करके आपको ये देखना है कि आपके गन्ना के खेत में कहीं थ्रिप्स का अटैक तो नहीं हुआ है। आपको ये देखना है कि जो गन्ना है उसकी जो मेन गोप है उसमें आपको देखना है कि जो काले कलर की बहुत ही छोटी थ्रिप्स होती हैं ये बहुत जल्दी नहीं दिखाई देती हैं, तो इनको आपको देखना है। अगर आपके खेत में दोस्तों ये लगी हुई है तो जो आपके गन्ने का मेन गोप होगा ये पीला पड़ जाएगा और जो पत्तियां होंगी ये सिकुड़ जाएंगी, आपका गन्ना जो है बिल्कुल दोस्तों उसी पर इसका ग्रोथ रुक जाएगा। तो किसान भाइयों, यदि आपके खेत में ये दिक्कत दिखाई दे रही है तो आप तुरंत ही अपने खेतों में दवा का स्प्रे लगाएं। किसान भाइयों, आने वाली अगली वीडियो हमारी डिटेल में थ्रिप्स के ऊपर होगी, तो आप उसे अवश्य देखिएगा। किसान भाइयों, इतना काम करने के बाद अब आपको अपने खेतों में क्या उर्वरक डालनी है, चलिए अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जो इसमें डालने के लिए खाद लेना है वो आपको लेना है फेरस सल्फेट 10 kg एक एकड़ के हिसाब से। दोस्तों जो खाद हम बता रहे हैं ये एकड़ के हिसाब से है, तो आप इसके हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। तो पहला दोस्तों आपको जो लेना है फेरस सल्फेट 10 kg हो गया। इसी के बाद में दोस्तों जो दूसरा आपको खाद लेना है जिंक सल्फेट 10 kg, ये भी आपको दोनों आपस में मिक्स कर लेना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको जो तीसरा खाद लेना है वो आपको लेना है सल्फर 5 kg। किसान भाइयों, अगर आप पाउडर फार्म वाला सल्फर ले रहे हैं तो 5 kg लेना है, और यदि आप दानेदार सल्फर का उपयोग कर रहे हैं तो इसका आपको 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के इसका प्रयोग करना है। इसी के साथ में दोस्तों आपको जो हम चौथी खाद इसी में मिलानी है वो 25 से 30 kg यूरिया मिलाना है। अब किसान भाइयों, ये जो चारों खाद हमने आपको बताया है इसको आपस में बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब आपको अपने खेत में पहले से पानी लगा करके रखना है, और खेत में नमी होने के बाद किसान भाइयों इसे आपके गन्ना के जड़ों के पास बिखेर देना है। दोस्तों पूरे खेत में आपको इसको नहीं बिखेरना है, केवल गन्ना के जड़ों के पास ही बिखेरना है। इससे किसान भाइयों जो हमारे गन्ने हैं इसे बढ़िया से ग्रहण कर पाएंगे। इसके प्रयोग करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपके जो गन्ने होंगे इसमें बढ़िया हरियाली आ जाएगी, और जब हरियाली आ जाएगी दोस्तों तो मतलब आपके गन्ने में क्लोरोफिल जो बनने की मात्रा है ये बढ़ जाएगी, और जैसे ही क्लोरोफिल बनने की मात्रा बढ़ेगी किसान भाइयों आपके गन्ने का ग्रोथ और उसमें हरापन बहुत ही ज्यादा आ जाएगा और गन्ने का विकास बहुत तेजी से होने लगेगा। तो किसान भाइयों, इन खादों के उपयोग करने के बाद आप लोगों को 20 से 25 दिन बाद एक काम और करना है कि आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपने गन्ने के खेत में करना है। किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट को आप अकेले में डालें, कभी भी आप इसे किसी और खादों के साथ में मिला करके ना डालें, क्योंकि किसान भाइयों अधिकतर खादों के साथ ये रिएक्शन कर जाता है तो आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपके जिन गन्नों का ग्रोथ रुका हुआ है अगर आप उस खेत में इन खादों का उपयोग सही तरीके से सही ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों आपको इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपके जो गन्ने की जो ग्रोथ रुकी हुई है ये चल जाएगी और जो पत्तियां होंगी पूरी एकदम हरी भरी हो जाएंगी, एकदम गाढ़े कलर की हो जाएंगी। किसान भाइयों, इसके प्रयोग से आपको जो उत्पादन है बहुत ही जबरदस्त मिलेगा, तो आप इसका उपयोग अपने गन्ना के खेत में अवश्य करिए। किसान भाइयों, इसी प्रकार से खेती बाड़ी से संबंधित आप लोगों के बीच में हमारे चैनल पे बराबर अपडेट जानकारियां आती रहती हैं, तो इसे पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन घंटी को भी ऑन करके रखिएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो किसान हित में वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों अगर इसी प्रकार से आप किसी और टॉपिक पे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार से एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।